हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, एक वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है ये हमने जाना था, और वेक्टर रिलेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज जो किए हमने किया था, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को समझा था। इस वीडियो में हमने एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर से रिलेटेड, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत मुश्किल होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये सेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या है। इससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू हमारा होगा सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे करते हैं, देन हम लोग शुरू करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, और फाइनली जो है हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग ये सेशन होगा, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो वेक्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से निकल के वो जो वर्किंग प्रोसीड्योर होता है, जो वर्किंग प्रोसेस होता है, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, आपने पिछले वीडियो में देखा था क्या कि वेक्टर को, दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। इसमें हम लोग को जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और दूसरा कोई और वेक्टर है हमारे पास ऐसा, ये ए वेक्टर है और ये है हमारा बी वेक्टर, और हम लोग को इस बार क्या करना ये है कि हम लोग को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग करते क्या है, हम लोग करते ये हैं कि इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ए प्लस और माइनस बी वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप अगर नोटिस कीजिएगा तो हम लोग कर ये रहे हैं, माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, अगर बी वेक्टर ऐसे है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, जस्ट उसके रिवर्स हो जाएगा, लेंथ वही रहेगा है ना, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना, या आप ऐसा बोलो कि माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या कि जो दूसरा वेक्टर जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और फिर पहले वाले वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो टोटल कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का वो है। तो चलिए मान लीजिए कि ऐसा है हमारे पास, तो अगर हम लोग को इस वेक्टर को ऐड करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट करके लाना है। तो ये जो होता यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाता, हमारा रिजल्टेंट होता कब, जब हम लोग को ऐड करना रहता तब। अगर हम लोग को करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग को करना ये होगा कि इसको है ना, हम लोग को क्या करना है, माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है। तो जस्ट इसके अपोजिट में हमने क्या किया, माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो हमारा ए वेक्टर और प्लस माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, ये रिजल्टेंट हमारा होगा। ठीक है, ये जो वेक्टर होगा ये हमारे रिजल्टेंट को दिखाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको एक चीज नोटिस करना है कि अगर जैसे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सपोज हमारे पास क्या होता, थीटा रहता, मतलब हम लोग बी को यहाँ पे अगर ऐसे लाते बी वेक्टर को, तो क्या होता, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, वही कहाँ पे भी बनता, यहाँ पे भी बनता। ठीक है, हम लोग को इस बार क्या करना है, इन दोनों के बीच के एंगल, चूंकि हम लोग ए और बी के बीच अगर देखेंगे तो इस बार क्या हो रहा है कि इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो इस बार देखिए हम लोग शिफ्ट करके लाएंगे, तो इस बार एंगल निकालने के लिए चूंकि हमारा माइनस बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे है, तो हम लोग करेंगे क्या कि अब दोनों के अगर हम लोग टेल को एक जगह रखें है ना,
हमको किसको किसको ऐड करना है, ए वेक्टर को और माइनस बी को, तो दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो ए वेक्टर और बी माइनस बी वेक्टर के टेल को एक जगह रखेंगे, तो ये जो होगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा, अब इस एंगल को लिया जाएगा हमारे कैलकुलेशन में, जो भी हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस बार हम लोग क्या लेंगे, इस बार जो है हमारा कैलकुलेशन होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग पहले से अगर थीटा है तो माइनस बी करके और ए के साथ ऐड करेंगे, तो अब ये थीटा नहीं होके अब ये क्या हो जाएगा, ये जो थीटा है ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का आपको एक ध्यान रखना है, बाकी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और इसका जो एंगल का है वो भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस क्वेश्चन में अगर वो थीटा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उसके जगह 180 माइनस थीटा पुट करना है, क्योंकि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इस प्रकार से तो एंगल जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आपको प्रॉब्लम के लिए जो है पहले वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर से एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं, क्या करना है हमें, हम लोग को करना ये है कि अगर ए वेक्टर से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए वेक्टर प्लस और ये माइनस साइन इसके साथ कर देंगे, है ना, माइनस बी वेक्टर। तो जब अगर बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, हमने क्या किया, अगर ऐड करना रहता तो हम लोग क्या करते, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे रखते तो ये वाला हमारा रिजल्टेंट होता, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी को हम लोग यहाँ पे रखने के बाद ठीक क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे, तो ये आएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। तो अब ये जो लाइन है ये हमारे रिजल्टेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का शो कर रहा है, तो इस बार जैसे हम लोग को ए और बी दिया रहेगा और थीटा जो है उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला फिर से इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए यही लगाएंगे, लेकिन अब जो एंगल अगर थीटा पहले से दिया हुआ है तो इस थीटा के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 180 माइनस थीटा रखेंगे, क्योंकि ए और माइनस बी के बीच कितना एंगल बनेगा, तो ए और माइनस बी के बीच कितना एंगल बनेगा, तो दोनों के टेल को एक जगह करते हैं, है ना, दोनों के टेल को यहाँ पे लाए, जैसे ए हमारे पास क्या है, ए पहले से यहाँ पे है ही, माइनस बी को हम लोग यहाँ पे लिया है ना, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, तो देख रहे हैं ये एंगल है हमारा थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूला में क्या करना है, 180 माइनस थीटा रखना है, और जो भी हमारा एंगल होगा, सपोज अल्फा बना रहा है तो टेन इनवर्स जो भी आता है हमारे पास बी साइन क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा हम लोग इसमें पुट करेंगे, है ना, ये हम लोग डायरेक्टली अगर थीटा पहले से गिवन है तो, नहीं तो अगर आपको ये बाद में ये पता है कि ये कितना एंगल है तो आप डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम। Two vectors of equal magnitude 5 units have an angle 60 degree between them. दो वेक्टर है हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है और कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक और मान लीजिए, और उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो सपोज ये है हमारा, ये 5 यूनिट्स है और ये भी 5 यूनिट्स है और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है Find the magnitude of difference between the difference of the vectors. तो इन दोनों का difference का हम लोग को magnitude निकालना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, एक a vector हो गया, ये b vector हो गया, है ना, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको just reverse draw करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 unit इधर की ओर draw करेंगे, ठीक है, और तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा कितना, 120 डिग्री, और यहाँ पे आप पैरेललोग्राम बना लीजिए और जो हमारा रिजल्टेंट होगा या ट्रायंगल जो भी आप फॉर्म करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो होगा हमारा रिजल्टेंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। तो ये कितना है, ये हमारा -5 है। ठीक है, एंगल हमको पता है ये 5 है,
तो हम लोगों को क्या फायदा है, बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है नहीं। और अगर आप जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है फिर आपको लिखना पड़ेगा, है ना, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स 5, है ना, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स 5 एंड दैट ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स 5, थीटा इक्वल्स 60 डिग्री, है ना। नाउ जो भी है हमारा प्रोसेस, नाउ इनवर्स या रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड मेक द पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर, देन इफ आर बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर या डिफरेंस, देन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, देन ए स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 5 स्क्वायर तो b स्क्वायर यही होगा। अच्छा वैल्यू इसलिए पुट कर देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा cos 120 प्लस बी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो क्या आ जाएगा, cos 120 का वैल्यू हो जाएगा sin माइनस 30 के बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 25 इंटू साइन माइनस 30 का वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस हाफ, है ना। ये मैथमेटिक्स से आया हुआ है और ये आ जाएगा क्या कितना 25, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हमने क्या किया है, cos 90 प्लस 30 डिग्री का ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये होता है कितना माइनस साइन थीटा के बराबर, मतलब साइन 30 के बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। मुझे चूंकि फॉर्मूला याद है मैंने इसे पुट कर दिया, तो ये आ गया कितना, आप देखिएगा क्या है 25 में माइनस 25 प्लस 25 सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या 25, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या 5 यूनिट, यही हमारा आंसर। तो देखिए आप अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि इसमें एंगल भी निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए अगर दिया जाए तो मान लीजिए कि एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा टैन इनवर्स बी, बी साइन 120, है ना, बी क्या हो जाएगा साइन 120 डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 120, है ना, और इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, टैन इनवर्स जो भी है वैल्यू साइन 120 का वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, साइन 120 को लिखेंगे हम लोग क्या साइन 90 प्लस 30, तो ये आ जाएगा कितना कॉस 30, है ना, तो कॉस 30 के बराबर इसका वैल्यू आएगा। और अगर कॉस अगर हम लोग 120 कर रहे हैं तो कॉस 20 का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग लिखेंगे क्या कॉस 90 प्लस 30, तो ये आ जाएगा कितना माइनस साइन 30 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको इसमें पुट कर लेना है और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, हम लोग को मेनली मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, आप डायरेक्शन अगर मेंशन करना हो निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये और इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो रिजोल्यूशन है वो कैसे हम लोग करते हैं। रिजोल्यूशन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, जब कब, जब बहुत सारे वेक्टर इन्वॉल्व हो तब, ठीक है। जब मान लीजिए कि हमारे प्रॉब्लम में हमने अभी तक देखा क्या कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन का उस वो केवल दो वेक्टर पे अप्लाई होता है ना, केवल दो वेक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है। तब क्या होगा जब हमारे पास दो से अधिक वेक्टर होंगे, है ना, और पूरे का हम लोग को क्या करना है रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। हालांकि हम लोग जान रहे हैं कि क्या है, जब बहुत सारा रहता है तो हम लोग ऐसे ट्राइंगल लॉ से बना लेते हैं, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है और फिर डायरेक्शन है, मान लीजिए कि ऐसा होगा तो ये हमारा रिजल्टेंट हुआ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को समस्या आने लगेगी,
इस सिचुएशन से हमारे हमको कौन निकालेगा, तो रिजोल्यूशन निकालेगा। रिजोल्यूशन कहता क्या है ये हम लोग पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे रिजोल्यूशन जो है हम लोग को एक आसान मेथड देता है बहुत सारे वेक्टर्स जब इन्वॉल्व रहते हैं उस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग को करना ये है कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्या, एक वेक्टर को जैसे हमने अभी देखा कि हम लोग अगर क्या करेंगे, दो वेक्टर को अगर जोड़ रहे हैं, सपोज एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है, ये वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है ऐसा, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो अगर पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं यहाँ पे तो ये हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है ना, मान लीजिए कि हम लोग आर एक्स से लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं आर वाई वेक्टर से, तो हमारे पास अगर दो वेक्टर है तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा ये आएगा, है ना। तो दो को जोड़ के अगर हम लोग एक बना रहे हैं तो क्या हम लोग इसके अपोजिट नहीं कर सकते क्या, है ना। ग्लम ये क्वेश्चन है, जैसे हम लोग क्या करें कि इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, ठीक है। तो हम लोग रिजोल्यूशन में एग्जैक्टली यही करते हैं, एक वेक्टर को क्या करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ले जाते हैं पैरेलली शिफ्ट करके। ये हमारा एक वाई एक्स, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, हमने सारे वेक्टर को क्या किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लाया है, मतलब हम लोग शिफ्ट करके ले आएंगे और उसके बाद सबको क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे, है ना, उसके x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसका वैल्यू सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, तो हम लोग को क्या करना है कि आर एक्स का वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड का हमको केवल क्या चाहिए वैल्यू निकालना है। हम लोग को फिलहाल इस वेक्टर के डायरेक्शन तो चूंकि हमको पता है कि x डायरेक्शन में ही y डायरेक्शन में, हमको केवल क्या करना है इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है कि इसका लेंथ क्या होगा, है ना। हम लोग को क्या गिवन है, पहले से ये लेंथ गिवन है, दैट इज r का मैग्नीट्यूड हम लोग को गिवन है और यहाँ पे क्या है एंगल गिवन है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड को हम लोग निकालेंगे ये हम लोग को सोचना है। तो देखिए हमारे पास अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ओ ए बी मान लीजिए ऐसा, और यहाँ पे भी हम लोग नाम दे रहे हैं, जरूरत पड़े पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया, है ना, एक एक्स कंपोनेंट आया और ये वाला जो वाई डायरेक्शन में आएगा उसको वाई कंपोनेंट कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या इन ट्राइंगल, एक्चुअल में राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है ओ ए बी, हम लोग को ट्राइगोनोमेट्री से क्या मिलेगा। तो देखिएगा क्या, अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा इक्वल्स बेस, बेस हमारा कौन है ओ बी है, ये बेस होगा इस एंगल के लिए, बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। तो ओ बी बाई क्या आ जाएगा हमारे पास ओ ए आ जाएगा, ठीक है। या हम लोग और करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स हमारे पास क्या आया ओ बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है और OE का वैल्यू जो है वो क्या है R है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है लेंथ क्या है R है, ठीक है। सो OB इक्वल्स क्या आ जाएगा R cos थीटा, है ना। तो हमारा जो RX हुआ वो R cos थीटा के बराबर हुआ, उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, हम लोग फिलहाल डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं, है ना, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग करें, अगर हम लोग को क्या करना हो साइन थीटा अगर निकालेंगे हम लोग तो देखेंगे क्या ये आ जाएगा क्या ए बी और डिवाइड बाई ओ ए, और ए बी का जो वैल्यू है ए बी तो ए बी है और ओ ए क्या है फिर से आर है, तो हमारे पास क्या आया ए बी इक्वल्स आर साइन थीटा, ठीक है। तो क्योंकि ए बी और ओ सी दोनों क्या होगा ए बी और ओ सी पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, ये दोनों का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए ये किसके बराबर हो गया OC, है ना। तो हम लोग देखें क्या कि RX का जो वैल्यू आया RX का वैल्यू कितना है, तो RX का वैल्यू आया हमारे पास R cos थीटा और यहाँ पे क्या आएगा RY का जो वैल्यू आया वो आया R sin थीटा, ठीक है। ये दो वैल्यू हमारे पास आया, ठीक है। तो हमारा यही जब भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे और क्या हो रहा है किसी एक्सिस से जिस एक्सिस से वो थीटा एंगल बना रहे हैं उस साइड कॉस कंपोनेंट आएगा, अगर थीटा इधर से बनाता
वाई एक्सिस से, तो इधर आर कॉस थीटा आता और इधर साइन थीटा आता, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो इधर है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर साइन थीटा ही आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो जिधर जितना एंगल रहेगा ना उसका कॉस कंपोनेंट ले लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका कंपोनेंट हो जाएगा अलॉन्ग मतलब उसके डायरेक्शन। फिर से एक बार बता दो क्या करना है, किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, उस वेक्टर के जो टिप है ना, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों एक्सिस पे। इसका लेंथ क्या होगा, अगर यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है तो ये आर कॉस थीटा होगा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा उधर आर साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर होगा तब की बात होगी, है ना। हम लोग को हमेशा ऐसा ही सिचुएशन मिलेगा जिसमें दोनों क्या होते हैं, क्योंकि एक्स वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई वेक्टर हमारे पास ऐसा हो रहा है, कोई वेक्टर हमारे पास क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में है कहीं, है ना। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इधर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज ये है ए वेक्टर है, तो इसका आ जाएगा क्या ए कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या ए साइन थीटा आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इसमें जितना भी रहेगा, है ना, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, आप उसी हिसाब से क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। इधर रहेगा ऐसा है तो इधर की ओर एक आएगा कंपोनेंट और एक इधर की ओर कंपोनेंट आएगा, इधर अगर थीटा यहाँ से बन रहा है तो इधर कॉस कंपोनेंट, अगर इधर बनेगा तो कॉस, इधर कॉस कंपोनेंट। तो आपको करना ये है कि एक वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, हर एक वेक्टर, अगर बहुत सारे वेक्टर दिए गए हैं तो हम लोग करेंगे ये कि सारे को रिजॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा होता कि हम लोग को दिया जाता क्या, हम लोग को ये दोनों वेक्टर दिया रहता और बोला जाता क्या कि आप इन दोनों का सम निकालिए या जो हमारा रिजल्टेंट है वो निकालिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, तो इसको हम लोग करते हैं क्या कि एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि आखिर कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का दो तरीका है, ठीक है। कितना तरीका है, दो तरीका है। हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि रिजोल्यूशन करते कैसे हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, एक वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो छोटे वेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको फिर से मिलाएंगे तो फिर वापस ये मिल जाए, है ना। तो अब हमारे पास अगला जो है एक प्रॉब्लम से हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। हमारे पास तीन वेक्टर है और इसमें ओ ए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मैं खुद से एक नाम दे रहा हूँ, है ना। सपोज ये है ओ ए है, ये बी सी है और एक डी है। कह रहा है क्या, ये एक्चुअल हमारा फिगर है, ठीक है। हम लोग को करना है इन दोनों का क्या करना है, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, और उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नेट आएगा उसका वैल्यू निकालेंगे, ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा इन तीनों का उसको निकालेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, तीनों ऐसे हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम लोग तीनों को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट किए और लेके आए हम लोग ओरिजिन पे, है ना, सारे के तीनों के क्या किए, हम लोग टेल को ओरिजिन पे लेके आए। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो देखिएगा क्या कि ये 2 मीटर जो है 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे ये हुआ 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, और ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वाई एक्सिस पे होगा। हम लोग करेंगे क्या कि इसका पहले इसका हम लोग रिजल्टेंट करते हैं। सपोज ये ओ है, ये ए है, या कुछ और नाम मैं दे देता हूँ, है ना, ये ओ है, ये है हमारे पास, ये पी है और ये क्यू है और ये हमारे पास आर है, है ना, ताकि हम लोग आसानी से समझ पाए इस चीज को, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस पहले ओपी को कंपोनेंट इसका जो है ब्रेक करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास एक कंपोनेंट इधर आएगा
ओपी का हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ और यहाँ वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये जो आया, ये जो वेक्टर आया, ये क्या आएगा, ओपी का हमारा कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट आया, और ये वाला जो आया वैल्यू, ये आ गया ओपी का वाई कंपोनेंट। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो है हमारा जैसे ये वाला, तो इसका हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक जो आया, ये हमारा आ गया क्या, OQ का X Y कंपोनेंट, और इधर की ओर जो है ये आ गया हमारे पास OQ का X कंपोनेंट। क्योंकि ये कोई भी अगर वेक्टर क्या है एक्सिस पे है, तो उसका कंपोनेंट ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट cos 90 करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, है ना, या जो भी है ना, आप देख लीजिए cos या sin कंपोनेंट जो भी होगा एक जीरो होगा उसमें। तो कोई भी अगर x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे, उसका कंपोनेंट ब्रेक नहीं होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग इन दोनों के कंपोनेंट का वैल्यू लिख रहे हैं। हम लोग सीधे कैलकुलेशन, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा खुद से स्टेटमेंट, हम लोग कैलकुलेशन पे डायरेक्ट चलते हैं। और हम लोग लिखते हैं क्या, पहले हम लोग ओपी के कंपोनेंट को लिखते हैं, है ना। सपोज ओपी को हम लोग ओपी एक्स से लिख रहे हैं, इसके एक्स कंपोनेंट को, तो ये क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्या, 2 cos 30 degree, है ना। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या कितना होता है, तो 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये आ जाएगा कितना, √3। ठीक है, वैसे ही OP के साइन कंपोनेंट को अगर लिखेंगे, Y कंपोनेंट को अगर लिखेंगे, तो OPY का हो जाएगा 2 sin 30 degree, तो ये आ जाएगा कितना, 2 × 1/2, और ये कैंसिल आउट होके हम लोग को वैल्यू देगा 1। ठीक है, दूसरे को अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, OQ के हम लोग X कंपोनेंट को करते हैं, तो OQ का जो X कंपोनेंट होगा उसका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 1.5, और ये आ जाएगा कितना, cos 60 degree। ठीक है, तो 1.5 और cos 60 का वैल्यू है 1/2, तो 1.5 का आधा करेंगे 0.75, ये आ जाएगा। और OQ का जो हमारा Y कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 और sin 60 degree, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो 1.5 × √3/2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 15/10 लिख दे, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 3√3/4, इतना यूनिट हमारा जो है वैल्यू आ चुका है। क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट ब्रेक होगा नहीं, एक तरीका हमारे पास अब क्या है, अब हम लोग को रिजल्टेड निकालना है, तो हम लोग माइंड में ही देखे क्या क्या है, है ना। लेट आर बी द रिजल्टेंट वेक्टर, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो R का जो X कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो देखिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो वेक्टर है X डायरेक्शन, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है। ठीक, तो इसको हम लोग करने से पहले एक हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे जो XY है प्लेन और बना ले रहे हैं। ठीक है, और हम लोग एक्स डायरेक्शन में ओवरऑल देखेंगे, तो हम लोग देखे थे क्या, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर दो वेक्टर क्या है एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड सीधे ऐड कर देते हैं और डायरेक्शन वही रहेगा, और अपोजिट है तो बड़े वाले में से छोटे को घटा के और बड़े वाले का वैल्यू लोग असाइन कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो है ये OQX जो है इसका जो है 0.75 है, और इसका जो है एक्स कंपोनेंट ये √3 है, है ना। तो √3 कितना होता है, तो 1.73 के आसपास होता है, और ये है 0.75, तो ओवरऑल क्या हो गया, इधर वाला ये ज्यादा है और इधर वाला कम है, तो हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
1.73 माइनस 0.75 है ना, तो हमारे पास कितना है 0.98 अप्रोक्स आएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जो भी वैल्यू आया हमारा वो हम लोग प्लॉट कर देंगे इस पे, है ना, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये हमारा हो गया 0.98, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं, ये 0.98 सपोज है ना Rx का x कंपोनेंट। y डायरेक्शन में अगर देखें तो y डायरेक्शन में हमारे पास ऊपर की ओर दो वैल्यू है, एक नीचे की ओर है, तो पहले ऊपर वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो Ry का जो वैल्यू आएगा वो Ry कितना आ जाएगा, तो ऊपर वाले को ऐड कीजिए, तो Ry जो है ये वाला है 1 है एक में और दूसरे में है 3√3/4 है, और उसमें से हम लोग नीचे वाले 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, है ना, ये दोनों ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में है और ये अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया क्या 3√3/4 है ना। 3√3/4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 3 × 1.73 = 4 1.30 आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया कितना 1.30 के अप्रोक्स आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या कि ये किधर आएगा, क्योंकि ये दोनों ज्यादा है ये कम है, तो ये ऊपर की ओर आएगा, तो हम लोग क्या किए, इसका जो y कंपोनेंट है इधर की ओर हम लोग कर लिया, है ना, ये है 1.30 ठीक है। तो अब हम लोग क्या हुआ, हम लोग नेट x डायरेक्शन में निकाल लिए कि हमारा x कंपोनेंट जो रिजल्टेंट का कितना है, जितना भी रहेगा, है ना, सारे का हम लोग क्या करेंगे x कंपोनेंट निकाल के जो x पॉजिटिव x में रहेगा सबको ऐड करेंगे, नेगेटिव वाले को सबको ऐड करेंगे, और फिर जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम को घटा के, और जिसका भी बड़ा रहेगा उस साइड डायरेक्शन हम लोग दे देंगे, ठीक है, एक प्लॉट कर लेंगे ऐसे, है ना, एक नया हमारा जो एक्स वाई प्लेन बना के, और y में भी सेम करेंगे, जितना भी पॉजिटिव y में है सबको ऐड कर लेना है, नेगेटिव में जितना है ऐड कर लेना है, जो पॉजिटिव में ऊपर वाले में से नीचे वाला जो भी बड़ा हो, है ना, उसमें छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके बड़े वाले का डायरेक्शन दे देना है। तो अभी की कंडीशन में हमारे पास ये आया है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ, तो ये जो हुआ हमारा यही रिजल्टेंट हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हुआ। तो अब हम लोग को करना क्या है कि इसका वैल्यू निकाल रहे हैं कि आखिर, तो देख रहे हैं क्या कि इसके पास दो भाग है, ये है Rx, ठीक है, ये Rx का वैल्यू है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या है Ry का वैल्यू है इतना। तो अब हम लोग को करना ये है कि दोनों को क्या करेंगे, दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए जो दो वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, है ना, कि R का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर दोनों 90 डिग्री पे है तो Rx स्क्वायर प्लस Ry का स्क्वायर, है ना। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है, ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद से कर लेंगे, और जो भी आंसर आया 1.30 इसका स्क्वायर कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, है ना, स्क्वायर रूट निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया R का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन रेट R वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस, देन अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या होता है फॉर्मूला होता है b by a, जहां b ये रहता है a यहां रहता है, तो यहां पे क्या होगा Ry by Rx ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, Ry का वैल्यू है 1.30 / 0.98, है ना, इसको काट लेंगे और जो भी आ जाए अगर एंगल निकलने वाला रहेगा तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, है कि नहीं। मैं एक बार कैलकुलेशन करके बता देता हूँ क्या है हमारे पास, पॉइंट हटा देंगे 130/98, है ना, ये आ जाएगा 65 और ये हो जाएगा 49, ये आ जाएगा और कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा कितना tan इनवर्स 65/49, यही हमारा एंगल का वैल्यू हुआ,
देखिए एक ये तरीका था हमारा कैलकुलेशन करने का, ठीक है। एक और तरीका होता है, आप उससे भी कर सकते हो अगर क्विकली आपको करना है ना, जल्दी जल्दी अगर करना है ना, तो आप ये जो तरीका है उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। दूसरा तरीका जो है एक और है, लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ और कॉन्सेप्ट जानना होगा और फिर हम लोग उस पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा जो दूसरा तरीका है क्या है, ठीक है। तो इससे पहले चलिए यहीं पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को जानने का जरूरत है। तो देखिएगा क्या कि हम लोग को अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, अभी हमने क्या किया था, जो रिजॉल्व किया था उसमें हम लोग क्या किए थे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड जो है इस डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, वही हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है। हम लोग को डायरेक्शन से कोई मतलब था नहीं, हम लोग अपने मन से डायरेक्शन देख रहे थे और अपने मन से जो है कौन किधर नेट आएगा वो हम लोग कैलकुलेट किए कि चलो इधर ज्यादा है तो इधर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो उस टाइप से हम लोग किए थे। इस बार हम लोग सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बस इस बार करेंगे क्या, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग खुद से बनाए हैं क्या, एक यूनिट वेक्टर लिए हैं आई कैप एक्स डायरेक्शन में और पॉजिटिव में हम लोग जे कैप लिए हुए हैं, और अगर जेड रहेगा तो उसमें के कैप लिया हुआ है ना, थ्री डायमेंशनल अगर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं एक के कैप भी लेते हैं। तो हुआ ये कि हम लोग अगर कोई भी मैग्नीट्यूड है, सपोज जैसे एक वेक्टर है, आप पढ़े हो कि अगर ये वेक्टर क्या है वन यूनिट का है, तो अगर टू यूनिट का वेक्टर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वन यूनिट वाले में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टू यूनिट का हो जाएगा, फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव यूनिट हो जाएगा, माइनस थ्री से कर देंगे तो माइनस थ्री यूनिट हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से तो हम लोग क्या किए कि अपने मन से एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिए, है ना, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई वैल्यू आया इसका, सपोज हमारा कंपोनेंट जो भी आया उसको हम लोग अगर एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग उस वैल्यू को क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर है तो उससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका डायरेक्शन उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फायदा है, ठीक है। तो हम लोग अब जो है इस बार जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सब पहले हम एक एग्जांपल आपको इसी का रिजॉल्व करके दिखाते हैं और उसके बाद आपको वो फिर से हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस और हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा, ठीक। तो ये आर है और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर की ओर क्या होगा, इधर एक कंपोनेंट आएगा इसका, क्या आएगा, आर कॉस थीटा। तो इस बार हम लोग जो आर एक्स को लिखेंगे वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, और इसमें हम लोग लगा देंगे आई कैप, है ना। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, जैसे ही आई कैप से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वन है तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है इसको मिल गया, तो अब ये वेक्टर बन गया, है ना। हमने क्या किया था, पीछे जो है केवल मैग्नीट्यूड को ध्यान रखा था, वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो आर वाई आएगा वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ऐसे हम लोग शुरू में ही लिखते हैं, लास्ट में नहीं लिखेंगे आई जे, फिलहाल समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा और जे कैप, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब एक हम लोग लिख सकते हैं क्या, r वेक्टर इक्वल्स आर एक्स प्लस आर वाई, है ना, क्योंकि अब ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग दो वेक्टर को सिंपली ऐसे ऐड करते हैं, है ना। तो आर एक्स को क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ठीक है। देखिए इस बार हम लोग करेंगे क्या कि जब ये पॉजिटिव में रहेगा ना तो पॉजिटिव आई से मल्टीप्लाई करेंगे और निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा ना तो निगेटिव आई से करेंगे, वैसे ही इधर पॉजिटिव जे में रहेगा मतलब वाई में रहेगा तो जे से करेंगे और निगेटिव जे वाई में रहेगा तो माइनस जे से करके यहाँ पे साइन चेंज कर दें। तो
तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग मैं कैलकुलेशन जो पीछे वाले वैल्यू है उसी में से मैं नोट कर लूंगा, है ना। आपको केवल कॉन्सेप्ट के लिए जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको कवर करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से नाम दे देते हैं, हमारे पास है O, ये है हमारा P, सपोज ये Q है और ये R है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। तो OP वेक्टर को हम लोग लिखेंगे क्या, OP वेक्टर जो होगा तो वो हो जाएगा क्या, 1.5 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा क्या I कैप प्लस 1.5 sin 30 डिग्री और ये हो जाएगा J कैप। वैल्यू रख लेंगे हम लोग, अभी रखेंगे पीछे से देख के OQ वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 2 cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा कितना माइनस आई कैप, है ना। तो आई कैप यहाँ कर दे रहा हूँ, माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, प्लस जे में पॉजिटिव ही आएगा तो ये हो जाएगा कितना 2 साइन 60 डिग्री और ये हो जाएगा जे कैप। उसके बाद करेंगे क्या, ओ आर जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू, इसमें तो ब्रेक होगा नहीं, है ना, तो ये किसके माइनस जे के डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा क्या माइनस जे कैप, है ना। वन यहाँ पे लिखते नहीं है ना, हिडन है, नहीं एक मिनट, वन जे लिखेंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वन को नहीं लिखा जाता है, जैसे हम लोग एक्स ये सब में छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस वन जे को हम लोग सीधे माइनस जे लिखेंगे, ठीक है। देन इफ आर बी द रिजल्टेंट वेक्टर देन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स, अब चूंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख चुके हैं तो सीधे हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, है ना, ओपी वेक्टर प्लस OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर, है ना। और इस बार क्या करना है आपको, सीधे इसका वैल्यू पुट कर देना है ना, तो इसका वैल्यू जितना भी आया होगा लोग पिछले स्लाइड से देख लेते हैं, हमारे पास पहले का है 1.73i और 1j, 1.73i और 1j, ये आया 1.73i और प्लस 1j, यही है। दूसरे का जो है वो आया है कितना 0.75i माइनस में 0.75i, इसका वैल्यू आया है 0.75i और ये था कितना माइनस में था ये, और ये था 3 बाई 4 है, 2 है, 3 root 3 by 4, 3 root 3 by 4 जे कैप, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए और जो आई वाला होगा आई वाला से ऐड हो जाएगा 1.73i प्लस जे माइनस प्लस, और यहाँ माइनस किसके कारण है, इस माइनस के कारण हो रहा है, ठीक है, ऐसे प्लस है ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75i हो जाएगा प्लस 3 root 3 by 4 का वैल्यू हमने निकाला था 3 root 3 by 4, 3 into 1.73 और डिवाइड बाई 4.34, ये हो जाएगा जे कैप प्लस, प्लस नहीं होगा, फिर से प्लस करेंगे लेकिन माइनस के कारण ये माइनस जे कैप। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आई वाला सब आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो ये 0.98 आई कैप आ जाएगा, है ना, ये प्लस है माइनस में घटा लेंगे, इसमें ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो प्लस 4.34 जे कैप, जो
भी हो आप वैल्यू में देख लीजिएगा, हो सकता है कि मिस्टेक हुआ हो कैलकुलेशन में, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा आप लोग खुद से। देखिए जैसे एक्स वाई कंपोनेंट हमारा मिल चुका है, तो जब भी इस टाइप का लिखा हो ना तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ऐसे निकाला है, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना, जितना भी कंपोनेंट रहता है उसका स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो टैन इनवर्स वही रहेगा आर वाई बाई आर एक्स, और यहाँ पे वैल्यू जो आया था वही आ जाए, ठीक है। तो दोनों तरीका है, अगर क्विकली सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप देख रहे हो तो आपको पहले वाला मैं तरीका जो है वही प्रेफर करूंगा कि आप फटाफट इस यहीं पे सारा कैलकुलेशन कर लिए और इतना ज़्यादा आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपको ऐसे जो भी आप सही लगेगा आप वो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर पहला वाला ही मुझे लगता है क्विकली सॉल्व करनी। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, है ना, कि कैसे करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एक पार्टिकल है उस पे क्या हो रहा है, एक फोर्स 37 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए। तो लोग जान रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो साइन कंपोनेंट आएगा, है ना, एफ साइन 37 डिग्री इसका कंपोनेंट आएगा, है ना। वो लोग क्या करेंगे, एफ वाई का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कितना, एफ साइन 37 डिग्री, है ना। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 10.5 न्यूटन दिया हुआ है, 37 साइन 3/5 होता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है साइन 37 का वैल्यू जो होता है वो होता है 3/5, कॉस 37 का वैल्यू होगा 4/5, और टैन जो होगा टैन 37 का वैल्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3/4 आएगा। यही वैल्यू जो है आपस में 53 में चेंज कर लिया जाता है, साइन 53 डिग्री का जो वैल्यू है वो आ जाता है 4/5, साइन कॉस कॉस 53 डिग्री का वैल्यू जो हो गया वो 3/5 है, और टैन 53 का वैल्यू हो जाएगा 4/5, है ना। जहाँ भी जरूरत होगा इस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा और इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, कैंसिल आउट कर दीजिए, आ जाएगा कितना 2.1 × 3, तो ये आ जाएगा 6.3 न्यूटन, यही हमको हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि इसका दो प्रभाव पड़ रहा है ना, या फिर ऐसे बोलिए कि एक ये जो फोर्स है इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बाकी जो इधर की ओर आएगा इसका एक्स कंपोनेंट इधर लग रहा है, और दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट है इस पार्टिकल को इधर की ओर लेके जाएगा, है ना। तो वेक्टर जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए इजी बना देता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स शोन इन द फिगर। तो हमारे पास तीन वेक्टर दिए गए हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो आई थिंक आप बना सकते हो। और मैं फटाफट थोड़ा सा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास है 37 डिग्री एंगल बनाता हुआ 5 मीटर का एक वेक्टर है, इसको उठा के लाएंगे 3 मीटर का है और 2 मीटर का है, यहाँ पे ले आएंगे, और इसमें करना क्या है 5 मीटर का कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे दोनों डायरेक्शन में, 3 मीटर और 5 मीटर का एक्स कंपोनेंट ऐड कर देंगे, 2 मीटर और 5 मीटर का वाई कंपोनेंट ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो है हमारा रिजल्टेड निकाल लेंगे। तो इजी है, आप ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, नहीं आएगा फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग देखेंगे। द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओबी एंड ओसी। देखिए तीन वेक्टर है हमारे पास और इसका सम क्या दे रहा है, 0 दे रहा है,
एक तो ये लैमिन्स थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी नहीं बताया हूँ मैं, तो इसलिए अभी फिलहाल हम लोग कंपोनेंट वाले पे ही हम लोग बात करेंगे। देखिए हमारे पास दो वेक्टर, एक ये है और एक ये है, ठीक है, तीनों का सम क्या है, जीरो है, ये दोनों का तो कंपोनेंट ब्रेक होगा नहीं, बचा कौन ये, तो इसका कंपोनेंट होगा एक इधर की ओर और एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर, ठीक है, तो एक वेक्टर इधर बना, एक वेक्टर हमारा किया है, तो सिंपल सी बात है, अगर सारे का सम जीरो है तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। और तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 मीटर है तो ये हो जाएगा 5 मीटर, है ना, और ये मान लीजिए कि हमारा ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग ओसी इनटू इट्स कंपोनेंट्स, क्या हो जाएगा, अगर उसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे और यहाँ पे ओ बी सी ए है, यहाँ पे आप डी दे दो और यहाँ पे कुछ ई दे दो, तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे क्या, ओ डी इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे पास, बी साइन 45 डिग्री और बी साइन 45 डिग्री, तो बी इंटू 1/√2 और तीनों का सम क्या है, जीरो है, तो b by root 2 जो है ये किसके बराबर होगा, 5 के इक्वल होगा, तो b का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा 5√2, ठीक है। वैसे ही अगर इधर की ओर देखें, OE का जो वैल्यू आएगा OE क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b cos 45 डिग्री, b cos 45 डिग्री, b का वैल्यू cos 45 फिर से 1/√2 और ये भी क्या हो जाएगा, b by root 2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, OB के, है ना, b तो अब हम लोग को पता चल चुका है, तो b का वैल्यू है कितना, b का वैल्यू यहीं पे हम लोग पुट कर रहे हैं 5√2 × 1/√2, ये कैंसिल हो गया, कितना है 5, है ना, तो इसका भी वैल्यू कितना आया 5 आया, तो चूंकि ये दोनों क्या है, इधर 5 है तो इधर भी क्या होगा 5 होगा, तो b इक्वल्स कोई मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या हो गया 5 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा स्टेटमेंट आप खुद से देख लीजिएगा, है ना, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया हूँ, और ज़्यादातर जो है फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो उस हिसाब से ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, और भी क्विक किया जा सकता है, लेकिन चूंकि समझ में आने चाहिए बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर्स OA, OB एंड OC इन द फिगर आर इक्वल, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो डायरेक्शन हम लोग को निकालना है OA प्लस OB माइनस C का, तो हम लोग करेंगे क्या, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो सबको रिजल्टेंट में लिख लेंगे, और मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन, है ना। ओए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट अगर ब्रेक करें तो ओए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, सपोज लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर बी ए, क्या हो जाएगा, OA को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म
बाई टू ए आई कैप प्लस ये आ जाएगा वन बाई टू ए जे कैप। OA के बाद OB का वैल्यू अगर हम लोग निकालें OB है ऐसा, तो ये आ जाएगा कितना A cos 60 डिग्री और ये भी पॉजिटिव आई में है, आई कैप ही होगा और ए यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इसका जो वाई कंपोनेंट है इधर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये दोनों तो प्लस में आया ठीक है। और फिर से इन दोनों को देखेंगे तो ओ बी को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये कंपोनेंट कितना हुआ, ओ ए cos 60 आई कैप और ये नीचे की ओर माइनस ए साइन 60 डिग्री जे कैप। वैल्यू पुट कीजिए कितना हो जाएगा, ए बाई टू हाफ रखेंगे तो, और ये आई कैप और साइन 60 तो ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू जे कैप। तो ए बाई टू आई कैप माइनस रूट थ्री बाई टू ए जे कैप ये आ गया। उसी प्रकार से ओ सी अगर हम लोग निकालें तो ओ सी का एक्स कंपोनेंट निगेटिव होगा तो ए कॉस 45 डिग्री और यहाँ पे आई करेंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे प्लस ए साइन 45 डिग्री है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है ये माइनस में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जे कैप। तो माइनस ए साइन कॉस 45 का 1 बाई रूट टू, तो ए बाई रूट टू आई कैप प्लस ए बाई रूट टू ये हो जाएगा जे कैप। हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, OA प्लस OB है ना, सो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर ये हम लोग को निकालना है। OA का वैल्यू रख लीजिए है ना, तो हमारे पास क्या आएगा 3 बाई रूट टू ए आई कैप प्लस हाफ ए जे कैप। OB का वैल्यू है हमारे पास ए बाई टू आई कैप माइनस रूट थ्री बाई टू ए जे कैप और उसमें से घटाना है किसको, ओसी को, ओसी को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट लगा के तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस ए बाई रूट टू आई कैप और प्लस वाला हो जाएगा माइनस ए बाई रूट टू जे कैप ठीक है। ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, देखिए अब आई वाले को हम लोग क्या क्या कॉमन ले लेते हैं, आई को कॉमन ले रहे हैं है ना, तो आई के अलावा आई और ए को कॉमन ले रहे हैं तो ए बाहर आ गया, बचा क्या, तो देखिए एक्स कंपोनेंट में हम लोग देख रहे हैं आई वाले में रूट थ्री बाई टू बच रहा है, उसके बाद आई है तो वन बाई टू बच रहा है और यहाँ पे आई है तो 1 बाई रूट टू प्लस में बच रहा है तो 1 बाई ये आ गया। इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आई कैप लिख दिया प्लस ए कॉमन ले लेंगे और वाई कंपोनेंट में देखिए क्या आ रहा है 1 बाई टू उसके बाद रूट माइनस रूट थ्री बाई टू और यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट और यहाँ पे आएगा क्या जे कैप ठीक है। ये हमारा आ गया क्या इसका वैल्यू है ना, तो इसका एंगल निकालना है ना, तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का वैल्यू है तो डायरेक्शन चाहिए है ना, इफ द डायरेक्शन ऑफ इफ OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा और अल्फा, थीटा ही लिख देते हैं ना, थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन क्या हो जाएगा टैन थीटा इक्वल्स y कंपोनेंट तो a इंटू वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई रूट टू डिवाइड बाई a इंटू
हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो आ जाएगा टू रूट टू, यहाँ पे आ जाएगा रूट टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट सिक्स, है ना। टू से टू कट जाएगा, रूट थ्री रूट टू मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू, और यहाँ पूरे का डिवाइड करेंगे फिर से यहाँ क्या हो जाएगा टू रूट टू एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा टू से टू कैंसिल तो रूट सिक्स, टू से टू कैंसिल तो रूट टू, और यहाँ पे आ जाएगा रूट टू से रूट टू तो ये आ जाएगा प्लस टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा टैन इनवर्स रूट टू माइनस रूट सिक्स माइनस टू डिवाइड बाय रूट सिक्स प्लस रूट टू प्लस टू, यही हमारा एंगल होगा, ये निकाला नहीं जा सकता तो यही पे हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसका, लेवल काफी अच्छा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, है ना। एक बार दो बार में सारी चीजें कवर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको देख के भी बनाइएगा तो धीरे धीरे आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, ठीक है, और अच्छे से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम को। एक दो और प्रॉब्लम है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA, OB एंड OC शोन इन फिगर, है ना। द रेडियस ऑफ सर्कल इज R। देखिए इसको भी कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सब में अलग अलग आएगा, मतलब वैल्यू सेम आएगा, लिखने का तरीका आंसर का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक तरीका क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या कि ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालिएगा ना तो इसी के डायरेक्शन में आएगा क्योंकि 44 मतलब 45 बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए तो वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्या चीज़ चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा इसी के अलॉन्ग होगा। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, है ना। एक वैक्टर आप इधर लिए आर, इधर लिए आपने आर और यहाँ पे लिया क्या, ये भी आर लिया, फिर इसका रिजल्टेंट आप ब्रेक कीजिए और फिर इसको ऐड करके जो भी आपका अभी तक जो बनाने का तरीका है वैसे बना सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका फॉलो करो, क्या है, रिजल्टेंट ऑफ OA एंड OC, तो फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वल्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, रूट टू आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, रूट टू आर। क्लियरली क्या हो रहा है, द रिजल्टेंट, द ओवरऑल रिजल्टेंट विल बी अलोंग ओसी वेक्टर, ओबी वेक्टर, सो द फाइनल रिजल्टेंट ना हो जाएगा, तो एक है हमारे पास R है पहले से इस डायरेक्शन में और एक हो जाएगा रूट टू आर हो जाएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा, R कॉमन लीजिए तो 1 प्लस रूट टू हमारा आंसर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा 45 भी हो जाएगा, है ना। तो एक तरीका ये है और एक तरीका इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। दोनों में लिखने का तरीका ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये थोड़ा ईजी पड़ेगा, तो आप जो भी चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर ज्यादा क्विक हो जा रहे हैं तो आप उसके के लिए भी हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, अगला जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ओ एंड ओबी इज परपेंडिकुलर टू OA, फाइंड द एंगल AOB। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना OA के परपेंडिकुलर है, इधर क्यों है,
ठीक है, तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, ए ओ बी का जो एंगल है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट कहीं पे भी हो, इस लाइन पे हमारा बताया जा रहा है, तो हम लोग एक रिजल्टेंट मान लीजिए कि ऐसे कुछ ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। और सपोज हम लोग इसको आर वेक्टर से कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट जो होगा वो जीरो होगा, तो एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, है ना, इसको हम लोग बैकवर्ड ट्रेस कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर की ओर आया, एक कंपोनेंट इधर की ओर आया, है ना, ये कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, है कि नहीं। और तभी जो होगा इस डायरेक्शन में, चूंकि इसका कोई कंपोनेंट है नहीं तो केवल यही कंपोनेंट होगा, तो यहीं तक ये जो आर होगा वो यहां तक नहीं होके वो क्या होगा, आर केवल यहीं तक होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, मान लीजिए कि ये थीटा हम लोग को बोल रहा है, तो सपोज हम लोग मान ले रहे हैं कि ये क्या है, यहां से यहां तक जो एंगल है ना ये है अल्फा, है ना, या कुछ एक्स मान लो आप, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका जो कंपोनेंट आएगा ओबी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, तो ओबी का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो आएगा कितना, 6 साइन अल्फा आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 90 है, अल्फा पता चल जाएगा तो 90 प्लस अल्फा हो जाएगा थीटा का। तो यहाँ पे चूंकि अल्फा इधर बन रहा है तो इधर कौन आएगा, इधर साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो 6 साइन अल्फा, इसमें और कुछ कैलकुलेट हो नहीं सकता है, चलिए 6 साइन अल्फा किसके बराबर होगा, सिंस द नेट रिजल्टेंट इज अलोंग वाई डायरेक्शन, सो 6 साइन अल्फा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ओए के, है ना। तो या 6 साइन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 4 के इक्वल हो जाएगा, या साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4/6 या गया 2/3, और अल्फा इक्वल्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3, है ना। सो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 90 प्लस साइन इनवर्स 2/3। आप चाहो तो पूरा एंगल थीटा लेके भी बना सकते हो, या फिर हमारा आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या कर लिए, इक्वल कर लिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ है नहीं, क्योंकि ओवरऑल रिजल्टेंट किधर है, वाई डायरेक्शन में है, तो ये दोनों को का वैल्यू सेम होगा, तो वहां से हमारा थीटा का या अल्फा का वैल्यू निकल गया, हो गया, है ना। या आप चाहो तो अल्फा अगर डायरेक्टली थीटा निकालना चाहते हो तो आप किस एंगल को कितना 180 माइनस थीटा लेके कैलकुलेट कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हो, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कि हमें जरूर बताएं, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। और जहाँ तक हो सके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा जो है परफॉर्मेंस और बेहतर करने का एक प्रेरणा हमें मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।